कि मैंने शर्ट पहना है बिल्कुल मैची मैची लिया है जो कि हम बनारस की शादी में इस्तेमाल करने वाले हैं। श्रीराम मोजरी एंड बूट सेंटर, श्रीराम मोजरी एंड जूती सेंटर है और शिवांशी गेट के अंदर है, जूती मार्केट है। बहुत अच्छी दुकान है। और यहाँ के ओनर का बिहेवियर कैसा है? बहुत अच्छा है, हमारा खास आदमी है। आते ही बराबर बता देते हैं ये बगैर किलो ये पैसे ये रेट वगैरह कैसे तो अभी हम पहुंच चुके हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन। आप देख पा रहे हो दिस इज द जोधपुर रेलवे स्टेशन, जोधपुर रेलवे स्टेशन। बट आई एम मीडिया पार्टनर्स। क्या भाई है तुम भी ना यार। ओ भाई, तो दिस इज द जोधपुर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जोधपुर, और अभी रात का टाइम है और सुबह में ऑलरेडी हम फिर से जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेन है सुबह में 7 बजे की है। हम बनारस जाने वाले हैं वाराणसी। तो यहाँ पे अभी सर्दी का मौसम आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे स्वेटर का मार्केट लगा हुआ है। अपनिया नेपाली बिल्कुल नहीं, नेपाली है कुछ कुछ नेपाली है। हाँ भीड़ घनी है, ये नेपाली मार्केट बिल्कुल राइट दिस वे नेपाली कुछ लोग है। हाँ नेपाली मार्केट है, आप देख पा रहे होंगे स्वेटर मार्केट लग चुका है लेकिन ठंडी बिल्कुल कम है। तो कुछ जगह पर भीड़ है, कुछ जगह पर भीड़ नहीं है। और गाइस वैसे मैं नेपाल जाने वाला हूँ सिक्किम, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं नेपाल जाऊँ तो नेपाल से कुछ शॉपिंग करके आऊँ। मैं यहाँ पे कुछ ज्योति का शॉपिंग करने आया हूँ धमसा के लिए, जो कि शादी में जाने वाले बनारस उसके लिए धमसा नहीं ज्योति लेने वाले। शादी में कटे ले जाऊँ वहीं पर परमानेंट पहले करूँ। अच्छा परमानेंट के लिए, तो परमानेंट और शादी में दोनों काम हो जाए इसके लिए ज्योति कौन है? भैया ज्योति सील यहाँ पे जोधपुर ज्योति कौन बताएगा भैया यहाँ पे कैसे चाहिए? कैसे चाहिए? सिंपल सिंपल छोटी या बड़ी है। तो फाइनली दोस्तों हमने ये वाली मोजरी यहाँ से ली है जो कि जोधपुर की फेमस मोजरी की शॉप है। आप लोग कभी भी जोधपुर आए तो ये वाली मोजरी आप देख पा रहे हो, जैसा कि मैंने शर्ट पहना है बिल्कुल मैची मैची लिया है जो कि हम बनारस की शादी में इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि मेरे मोमोसा है यहाँ पे तमसा। और ये एग्जिट लोकेशन कहाँ पड़ेगा भैया मोजरी का? शिवांशी गेट ज्योति मार्केट, शिवांशी गेट ज्योति मार्केट। दुकान नंबर वगैरह? श्रीराम मोजरी, श्रीराम मोजरी। मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का लिंक दे दूंगा। आप लोग कभी भी जोधपुर आए और आपको प्योर लेदर की और प्योर चमड़े की अगर मोजरी चाहिए तो श्रीराम लेदर मोजरी पे आए आप। जोधपुर की फेमस शॉप है। सल्लू भाई भी यहाँ से मोजरी लेके गए, प्रेम रतन धन पायो मूवी के अंदर आपने देखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बॉलीवुड में भी ये मोजरी इस्तेमाल होती है। तो चलिए बने रहिए कंटिन्यू, मैं एक बार यहाँ का कलेक्शन आपको दिखा देता हूँ, यहाँ का मोजरी का कलेक्शन क्या है। तो ये देखिए आपका कलेक्शन से ये वाला तो पैक कर लीजिए भैया, है ना, जो हम बनारस शादी में इस्तेमाल करेंगे। कितने सालों से ले रहे हैं? अच्छा ये जो कुछ लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं ये बोल रहे हैं कितने सालों से ले रहे हैं। सर मैं जानना चाहूँगा ये जो मोजरी है कितने साल से इस्तेमाल कर रहे हो आप? समझने लगा जब से पहन रहा हूँ। तो यहीं से ली थी आपने? कैसा यहाँ का रिकॉर्ड वगैरह? बहुत अच्छा है। यहाँ का जो मटेरियल वगैरह बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे इस दुकान के बारे में? बहुत अच्छी दुकान है। और यहाँ के ओनर का बिहेवियर कैसा है? बहुत अच्छा है, हमारा खास आदमी है। अच्छा आपके खास आदमी है? हाँ मिल आते ही बराबर बता देते हैं ये बगैर किलो ये पैसे ये। अच्छा रेट वगैरह कैसे है? कुछ और सर यहाँ पे आए शॉपिंग के लिए, सर कैसा है यहाँ का मोजरी? मोजरी अच्छी है और वाजिब रेट है। रेट वाजिबी है ना, मतलब मटेरियल कैसा है यहाँ का? मेन चीज बहुत अच्छा है बिल्कुल। तो यहाँ के कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए आए और भी लोग यहाँ पे देखिए, अभी शादी का सीजन चल रहा है, कुछ लोग शादी के कपड़े पहन के यहाँ पे देखिए शेरवानी के साथ में मैचिंग मोजरी आप देख पा रहे होंगे। और हम लोग भी वैसे बनारस में शादी में जा रहे हैं तो हमारे जो मोमोसा है तो ये रहे, तो मोमोसा वगैरह शादी के लिए मोजरी ले रहे हैं। तो मैं यहाँ का कलेक्शन एक बार आपको दिखा देता हूँ। पहले ये सारे यहाँ का कलेक्शन से आप देख पा रहे होंगे गाइस, इट्स अमेजिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो बहुत ही यहाँ पे आपको प्रोफेशनल फैंसी में काफ़ी सारे मोजरी हैं, चमड़े के जूते हैं, तो चमड़े के जूते वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। ये सारे यहाँ पे आपको एकदम होलसेल रेट में रिटेल में भी मिल जाएंगे। ये देखिए फैंसी में लेडीज़ वगैरह मोजरीज वगैरह आपको। और दूसरा एक बार ध्यान रखना, आप कैमरे की नज़र में और कैमरा आपकी नज़र में है, ये खास ध्यान रखना। और यहाँ पे आपको लेदर के बेल्ट भी पहन लीजिए जो कि ओरिजिनल लेदर है,
जो कि मैंने पहन रखा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। और बाहर का मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ का लोकेशन। श्री राम मोजरी एंड बूट सेंटर, तो काफ़ी सारी अभी यहाँ पे भीड़ है, शादी का सीजन चल रहा है। तो दोस्तों आप लोग कभी भी जोधपुर आए तो यहाँ से शॉपिंग ज़रूर करें। मोजरी अगर आपको लेनी है तो इससे अच्छी मोजरी आपको कहीं नहीं मिल सकती। ये सारे यहाँ का कलेक्शन है, मैं आपको अंदर की भी सैर कर लेता हूँ। ये पूरा इनका होलसेल का है, जो सारा स्टॉक इनका रहता है, तो ये सारे स्टॉक रहता है और रिटर्न्स में लगे रहते हैं। बिल्कुल, तो ये सर शादी की शॉपिंग करने आए। सर आपने शॉपिंग की, कैसा लगा यहाँ पे? तो सर पूरा दूल्हे के रूप में तैयार होकर है। कौन सी ली सर ने, कौन सी ली? अच्छा सर ने पहन रखी है, तो सर ने देखिए शेरवानी पहन रखी है, उसके ऊपर ये मोजरी। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भारी मात्रा में आते हैं। मैं आपको यहाँ का अंदर का जो इनका जो है लोकेशन, ये पूरा इनका होलसेल स्टॉक है जो आप देख पा रहे होंगे। बट यू नो आई थिंक दोस्तों आपने देखा यहाँ पे क्लाइंट रिव्यूज़, जो लोगों ने यहाँ से शॉपिंग की उनके रिव्यूज़ देखिए, वो सर जो शॉपिंग करके जा रहे हैं। और यहाँ के जो ऑनर सर हैं, उनसे ऑनर सर मेन कौन है सर? प्रकाश भाई। तो प्रकाश भाई जरा इधर है, तो ये यहाँ के मेन ऑनर सर है। सर क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र चौहान। ओ माय नॉट सेम हेयर वाला, मेरा नाम भी जेके है, जेके जितेंद्र। तो सर आप कितने साल, जी कितने साल पुरानी दुकान है ये? हमारे घर में 45 साल पुरानी। 45 years old shop। ओ माय गॉड, तो दोस्तों 45 साल पुरानी दुकान, तो ये मेरी लाइफ का दूसरा वीडियो होगा जो इतना पुराना होगा, जो कि 40 साल पुरानी दुकान। दादाजी चलाते दुकान, दादाजी के टाइम की है, दादाजी बैठते थे। ये दादाजी का फोटो दिखाइए। अच्छा ये दादाजी है, स्वर्गीय श्री घेवर लाल जी, स्वर्गीय श्री सुंदर लाल जी चौहान। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, इन्होंने बताया सर ने कि भी इनके दादाजी चलाते थे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दादा खरीदे पोता भरते, बिल्कुल इस दुकान की ओरिजिनलिटी यही है कि यहाँ से दादा खरीदता है और पोता भरता है। यहाँ पे अभी जो सर शॉपिंग करके जा रहे हैं, जैसे कि मेरे मामू सही है, अब इनका होने वाला पोता होगा वो भी वही मोजरी पहनेगा और उसके बाद बोले कि दादाजी ने कहाँ खरीदी थी, वो ये वीडियो देख के यहाँ पे आ सकते हैं। सर एक बार फिर से लोकेशन बता दीजिए, पर कोई अगर आना चाहे तो। ये श्री राम मोजरी एंड जूती सेंटर है और शिवांशी गेट के अंदर है, जूती मार्केट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको यहीं पर आना पड़ेगा। तो दोस्तों सर ने बताया, वैसा मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा श्री राम मोजरी सेंटर, तो यहाँ पे आप लोग आइए जोधपुर में शॉपिंग कीजिए। तो अभी हम लोग एक चाय का ब्रेक, चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।